हेलो यूट्यूब, मॉर्निंग एपिसोड हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इमोजी के बाद अब स्टिकर फीचर भी व्हाट्सएप यूजर्स की पसंद बन गई है। व्हाट्सएप के इस नए फीचर को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए व्हाट्सएप ने अपने स्टिकर फीचर को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी स्टिकर ऐप को व्हाट्सएप से लिंक कर दिया है। कई बार हम लोग लिखने से ज़्यादा स्टिकर के हेल्प से अपने एक्सप्रेशन को दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्टिकर फीचर हमारे बहुत काम आता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप में दिए गए स्टिकर्स के अलावा आप अपना खुद का स्टिकर बना के अपने एक्सप्रेशन को दिखाएं, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि किस तरह से खुद का स्टिकर बना करके हम व्हाट्सएप में शेयर करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, तो इसलिए आते हैं प्ले स्टोर में और डाउनलोड करते हैं। तो ये मैंने प्ले स्टोर खोल लिया। अब यहाँ पे टाइप करेंगे स्टिकर मेकर। अब सर्च करेंगे, ये देखिए ये रहा हमारा एप्लीकेशन। अब इसे इंस्टॉल करेंगे, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे दो चीज़ देनी है, एक तो हम जो स्टिकर पैक बना रहे हैं उसका नाम, और जो ये स्टिकर क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम। तो यहाँ पे स्टिकर पैक का नाम दीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्टिकर जो क्रिएट कर रहे हैं उनका नाम। अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब ये मेरा स्टिकर फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे और भी स्टिकर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं आप चाहे तो, सेम इसी तरीके से। तो अब ये स्टिकर पैक नेम तो क्रिएट हो गया है, फोल्डर तो क्रिएट हो गया है, अब हम लोग इसमें स्टिकर बना के डालेंगे। तो अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, एक तो हम लोग यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करके इंस्टेंट किसी का भी फोटो लेकर के स्टिकर बना सकते हैं, और दूसरा हम लोग अपने गैलरी में मौजूद फोटोज लेकर स्टिकर बना सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंट कैमरा से लेकर के किस तरह से स्टिकर बनाएंगे। तो उसके लिए कैमरे पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से अलाउ करेंगे। अब ये देखिए मैं पिक ले रही हूँ, अब ये देखिए ये मैं कप का पिक ले रही हूँ, ये मैंने पिक ले लिया। अब यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जितना भी एरिया स्टिकर में रखना चाहते हैं उतना एरिया आप अपने फिंगर से सेलेक्ट कर लेंगे, और ये भी दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो इसे जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गई इंस्ट्रक्शन की बात कि हम अगर जितना भी इसका एरिया अगर हम लेना चाहते हैं तो उसको हम फिंगर से सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर हमें ये पूरा का पूरा इमेज ही एज अ स्टिकर लेना हुआ तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा, यूज़ विदाउट कटिंग। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे अगर हमें ये पूरा का पूरा इमेज चाहिए होगा तो, नहीं तो अगर हमें सेलेक्टेड एरिया चाहिए होगा तो हम इस तरह से फिंगर से इसे सेलेक्ट करेंगे। तो आइए मैं सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम अपने फिंगर से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका एरिया ठीक से सेलेक्ट नहीं हुआ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरा एरिया ठीक से सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप नो ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से इस तरह से आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग फिर से अपना दोबारा से अपना स्टिकर का एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये मेरा अच्छे से सेलेक्ट हो गया है, मुझे इतना ही रखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे यस सेव स्टिकर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मेरा एक स्टिकर सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको स्टिकर पैक पब्लिश करने के लिए एटलीस्ट 3 स्टिकर चाहिए ही होंगे, उसके बाद ही आपका स्टिकर पैक पब्लिश होगा, यानी कि आपको व्हाट्सएप में दिखेगा। उसके बाद दूसरी ये बात कि आपको ये स्टिकर सेलेक्ट हो गया है तो दूसरा स्टिकर बनाने के लिए आपको यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करना होगा। और तीसरी ये बात कि अगर आप ये स्टिकर नहीं चाह रहे हैं कि आपके पैक में ये स्टिकर हो, इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपको ये दो तरह का फिर से ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हम लोग गैलरी से इमेज लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से गैलरी में लेकर हम स्टिकर बनाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने स्टिकर ले लिया गैलरी से। अब मैं फिंगर से स्टिकर एरिया सेलेक्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे येस टू सेव स्टिकर पे क्लिक करूँगी। ये देखिए यहाँ पे पहला वाला स्टिकर हट गया है और ये जो अभी मैंने स्टिकर बनाया वो आ गया है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे हम लोग प्लस के साइन पे क्लिक करके और स्टिकर ऐड कर लेंगे। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ अभी।
तो ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे स्टिकर्स ऐड किए। आप चाहे तो और भी स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, 3 स्टिकर यहाँ पे होने ही चाहिए पैक पब्लिश करने के लिए। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस पैक में टोटल 30 स्टिकर आप ऐड कर सकते हैं, और कम से कम 3 स्टिकर होने ही चाहिए तभी आपका स्टिकर पैक पब्लिश होगा। तो ये मैंने अपने ये स्टिकर्स बना लिए हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पब्लिश स्टिकर पैक पे क्लिक करूँगी, तो अब यहाँ पे यस पब्लिश पे क्लिक करना है। अब ओके, अब ये मेरा स्टिकर ऐड हो गया है। तो आते हैं व्हाट्सएप में और देखते हैं कि कहाँ पे ये मेरा स्टिकर पैक दिख रहा है और किस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे, या ऐड हुआ भी है या फिर नहीं। तो आते हैं व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप ओपन करेंगे, यहाँ पे किसी का भी चैट बॉक्स ओपन करेंगे। अब यहाँ पे टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टिकर का आइकन आ रहा होगा, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, ये छोटा सा आइकन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये रहे मेरे सारे स्टिकर्स जो मैंने वहाँ पे ऐड किए थे, वो यहाँ पे आ गए। ये देखिए, ये मैं भेज रही हूँ और कितना ही अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरह से हम अपना खुद का स्टिकर बनाएंगे और व्हाट्सएप में यूज करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगी वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरी IGTV वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।